हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज से नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है और हमारी ओर से और हमारे चैनल की ओर से आप सभी को, आपके परिवारजनों को हमारी ओर से बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे, सभी को खुशियां प्राप्त हों, सभी के कष्ट दूर करें माता, यही परम माता भगवती से हमारी प्रार्थना है। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना जो सबसे मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसको लेकर के, और इसकी तो चर्चा आपके साथ होगी ही। इससे पहले पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 22 मार्च सन 2023 दिन बुधवार संवत 2080 जो कि आज से आरंभ हो गया है साथियों, 2079 कल समाप्त हो चुका है संवत, आज से नया वर्ष हमारा हिंदुओं का आरंभ हो चुका है। हिंदी का महीना चैत्र का महीना है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी प्रतिपदा, नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद, योग रहेगा शुक्ल प्रातः 9:17 तक, उसके पश्चात ब्रह्म योग आरंभ होगा, करण रहेगा किंसुग्न और राशि होगी आज मीन। चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचार करने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि रहेगी 12:34 से लेकर 2:05 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह 12:10 से लेकर 12:58 तक, और इसके अतिरिक्त गंडमूल शाम 3:32 से आरंभ हो जाएंगे और आज गुड़ी पड़वा भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हम आपके साथ बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, और ये जो राशिफल है दैनिक राशिफल आपका पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है ग्रह गोचर में उसी पर ही आधारित है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि यानी एरीज साइन से। तो प्रिय साथियों, आज इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना है कि आज आपके घर में अतिथियों का आगमन होगा और आपका अपने अतिथियों पर कुछ धन भी व्यय होगा उनके स्वागत में, और कोई शुभ समाचार की भी प्राप्ति आपको आज होने की संभावना है। व्यापार व्यवसाय बिल्कुल सही तरीके से चलेगा, नौकरी में आपको पूर्ण रूप से संतोष रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा, और पैसा भी जहां पर आप अपना इन्वेस्ट करेंगे वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास में यानी कि वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ लोगों के द्वारा आपकी नीतियों का, आपकी बातों का थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है, लेकिन आप इस उसमें ना पड़े, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए तो क्या होगा कि कलेश होगा, वाद विवाद होगा, उससे आपको तनाव और टेंशन होगा, तो इससे आपको बचना है। अगर आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। पुराना रोग कोई आज के दिन आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी आपको आज, लेकिन कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। उपाय आप करें, प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जाने से पहले आप घर से मिश्री खा करके और ऊपर से पानी थोड़ा पी करके तब आप निकले, ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शुभ रंग आपके लिए संतरी और शुभ अंक आपके लिए आज 2। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। प्रिय साथियों, जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, आज वो एक्टिव रहेंगे काफी, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट की भी संभावना बन रही है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि किसी दूसरों के कार्य में आप इंटरफेरेंस ना करें, और जो भी आप यात्रा करेंगे अपने कार्य को लेकर के वो भी यात्रा आपकी सफल सिद्ध होगी, और कहीं से अचानक कुछ अच्छा और बड़ा लाभ भी आपको आज हो सकता है। व्यापार या व्यवसाय से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है, और जहां पर भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वहां से भी आपको आपकी इच्छा के अनुसार लाभ की प्राप्ति के संकेत है। यदि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं तो भी वहां पर भी आप सफल होंगे। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है आज, और मन आपका प्रसन्न रहेगा। उपाय आप करें, सोने की अंगूठी में मंगल यंत्र खुदवा करके उसको आप धारण कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ उपाय है। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए आज
साथ। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, प्रिय साथियों अचानक कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं आज, उसको देख करके आप परेशान ना हो, और जिन लोगों के साथ भी आपकी बातचीत होती है या वार्तालाप होती है उनके साथ बातचीत करते समय अपने जो वाणी है उस पर बहुत नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। जो भी आप बोलें बहुत सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि अगर आपके मुंह से अनायास या अचानक कोई ऐसा शब्द निकल गया तो उसके कारण भी वाद विवाद पैदा हो सकता है। और परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको आज रहने वाली है, उसी की वजह से आपको थोड़ा बहुत तनाव भी बनेगा, और आपको खुद को भी स्वयं को भी कोई रोग परेशान कर सकता है पुराना। और यदि आप कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतिएगा, किसी भी व्यक्ति की बातों में आप बिल्कुल ना आए। महत्वपूर्ण निर्णय जो भी लेने हैं आपको बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, तभी जा करके आपके कार्य बनेंगे, अन्यथा आपको हो सकता है नुकसान। उपाय आप करें, गंगा जल को लगातार 108 दिन घर में छिड़कने पर पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी और परिवार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं वो सभी दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक आपके लिए आज 8। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, प्रिय साथियों आज आपको इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके धन का नुकसान आपको ना उठाना पड़े। जो आपका पर्स है यानी कि वॉलेट है उसको भी संभाल के रखिएगा, कहीं धन कोई चोरी ना कर ले, आपका पर्स ना चुरा ले कोई, या कहीं पैसा रख करके आप भूल जाएं तो मतलब, या पैसा आपने जहां पर कहीं लॉकर वगैरह में जो भी आप रखते हैं उसको भी अच्छी तरह से लॉक करके रखिएगा, चाबी अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि आज इस बात के संकेत हैं कि आपको धन से संबंधित हानि उठानी पड़ सकती है, तो आप बहुत सावधान रहिएगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार से आपके आज स्वाभिमान को भी थोड़ा ठेस पहुंच सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा चिंतित रहने वाले हैं और विवाद से आपको बचना है किसी भी प्रकार के, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर। शत्रु आपके विरोधी जो हैं वो शांत रहेंगे, और जहां पर भी आपका पैसा आपके द्वारा दिया गया है और वो आने में समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, उसकी अगर आज के दिन आप वसूली के लिए प्रयास करेंगे तो आपको धन प्राप्त हो सकता है। यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी और व्यापार भी आपकी इच्छा के अनुरूप चलाएंगे आप। नौकरी में यदि हैं आप तो नौकरी में भी सुकून मिलेगा। उपाय आप करें, तंदूर में लगी मीठी रोटी गरीबों में बांटिएगा, आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करेगी। शुभ रंग आपके लिए सलेटी और शुभ अंक आपके लिए आज 1। सिंह राशि यानी लियो साइन, आज आप सिंह राशि के जो जातक हैं साथियों, आपके लिए दिन में थोड़ा कष्ट, तनाव या चिंता जैसा वातावरण बन सकता है, लेकिन इन चीजों के बावजूद जो आपके विरोधी हैं या शत्रुता रखते हैं आपके साथ वो पस्त होंगे। धन का जो आगमन है वो भी बहुत सुगमता के साथ रहेगा, आसानी से होता रहेगा, और कुछ नई योजनाओं पर भी आप काम करेंगे। हालांकि उन योजनाओं के द्वारा आपको हाल फिलहाल में तो लाभ होने की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, भविष्य में उनसे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्य प्रणाली में भी आप सुधार करना पसंद करेंगे, जो आपकी कार्य प्रणाली, कार्य करने के तौर तरीके हैं, और सामाजिक कार्य करने में भी आपका कुछ अधिक रुचि रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसी जगहों से भी आपको कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय आप करें, स्टील या लोहे की बनी कोई भी वस्तु अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका को अगर आप गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो ये आपके प्रेम संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाएगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 6। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, आज के दिन आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, और किसी साधु संत का आशीर्वाद भी आज आपको मिल सकता है। साधु संत हो या कोई बड़े बुजुर्ग, कोर्ट या कचहरी से संबंधित कार्य आपकी इच्छा के अनुरूप पूरे होंगे। व्यापार व्यवसाय से भी आपको अच्छा लाभ आज अर्जित कर सकते हैं, लेकिन नौकरी यदि करते हैं तो नौकरी में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो आपके असिस्टेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनकी ओर से भी पूरा कार्यों में आपके सहयोग प्राप्त करेंगे आप। और जो कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे किन्हीं कारणों के द्वारा, आज अगर आप चाहेंगे तो उन
पेंडिंग कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। उपाय आप करें, अपने सबसे बड़ी बात यह कि अपनी बहन, मौसी, बुआ, चाची, ताई, जो जितने भी ये रिश्ते में ऐसे हैं महिलाएं, उनका आप सभी का बहुत सम्मान करें। इससे अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपके पारिवारिक संबंध है वो तो बढ़िया होंगे ही, मजबूत होंगे ही, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए आज 4। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, आज के दिन कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है प्रिय साथियों, और कहीं दूर दराज से भी कोई अप्रिय समाचार मिलने की वजह से मन अशांत रह सकता है, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ कुछ अधिक रह सकती है। किसी व्यक्ति के व्यवहार से भी मन आपका दुखी हो सकता है, और जो कार्य आप ये मान करके चल रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम में पूरे हो जाएंगे, उनका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं आप, उनमें डिले होने की काफ़ी संभावना है, और आपको अपने कार्यों को भी पूरा करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति विशेष की नाराजगी भी आज के दिन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में झेलनी पड़ सकती है। व्यवसाय आपका ठीक तरीके से चलेगा। उपाय आप करें, भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान कराने से हेल्थ अच्छा रहेगा आपका। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 8। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, प्रिय साथियों, कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, थकान एवं कमजोरी रह सकती है, और जीवन साथी से सहयोग आप प्राप्त करेंगे। व्यापार व्यवसाय से भी आपको लाभ की प्राप्ति के अच्छे संकेत हैं, लेकिन कहीं भी पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो जल्दबाजी में ना करें, पूरी प्लानिंग के साथ करें। नौकरी में भी शांति बनी रहेगी और धन का आगमन आसानी से होता रहेगा। मित्रों का भी सहयोग आपको मिल सकता है, और आपके जितने कार्य हैं काफ़ी कार्य आपके समय पर पूरे होंगे। उपाय आप करें, शुद्ध सूती कपड़ा और नमकीन गरीब स्त्रियों को समय समय पर दान करते हैं अगर आप, तो ये आपकी धन की स्थिति को बेहतर और मजबूत करेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए आज 1। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, प्रिय साथियों, किसी भी कार्य में आज के दिन जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कोई समस्या भी आपके लिए खड़ी हो सकती है। आज आपका शरीर थोड़ा सा उसमें लेजीनेस रहेगी, शारीरिक शिथिलता बनी रहेगी, और लेन देन से संबंधित कोई भी कार्य उसमें सावधानी बरतिएगा। भूमि या भवन जैसी चीज़ों की खरीद फरोख्त, सेल या परचेज अगर आप कर रहे हैं या उसकी कोई योजना बना रहे हैं, वो भी आपको लाभ देगी। नौकरी में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आय में भी वृद्धि होगी, आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, और रोजगार प्राप्ति के जो प्रयास हैं वो भी सफल होंगे। उपाय आप करें, दूध से भरा हुआ एक बर्तन अपने सिरहाने रख लें और सुबह घर से बाहर जाकर के किसी आसपास अगर कोई वृक्ष है तो उसकी जड़ में चढ़ा दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 4। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, तो साथियों, यात्रा अगर आप करते हैं आज तो उसका आनंद भी लेंगे, क्योंकि यात्रा आपकी मनोरंजक रहेगी, और आज के दिन आप अपनी रुचि का भोजन करेंगे और उसका स्वाद लेंगे। विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। कारोबार यदि आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, उसमें भी अच्छा ग्रोथ है, और व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य थोड़ा जरूर प्रभावित होने के योग हैं, और धन प्राप्ति आसानी से होगी। मित्रों का भी समय समय पर आपको सहयोग मिलता रहेगा, और रुके हुए कार्यों में भी गति होगी, पकड़ेगी गति, स्पीड आई, मतलब उसमें भी एक तरीके से कार्य आपके पूरे होंगे रुके हुए, और इसी वजह से आपका मन काफ़ी प्रसन्न भी रहेगा, लेकिन जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। उपाय आप कर सकते हैं, आज अच्छे स्वास्थ्य का आनंद अगर आप लेना चाहते हैं, उसके लिए अपने घर का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसको जरूर साफ सुथरा रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए आज 2। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, देखिए साथियों, जो भी आज कुछ इस बात दुर्घटना का कोई योग बना हुआ है, दुर्घटना से मतलब चोट वगैरह लगने का, और ये चोट तभी लग सकती है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी लापरवाही हो जाती है अगर, या जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं पूरा कार्य को, तब ये इस तरीके की चोट लग सकती है, जो उसके भी संभावना अधिक है, और कहीं से कोई ऐसा अप्रिय समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा शोकाकुल हो सकता है।
लेकिन उसके वजह से आप अपना पेशेंस लूज ना करें और सभी के साथ व्यवहार अच्छा बना करके रखें और अपना वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी वाणी से कोई शब्द इस तरीके के किसी के लिए भी निकलते हैं तो वाद विवाद पैदा हो सकता है, कहासुनी हो सकती है और बात बढ़ सकती है, वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। दिन के अंत में जाकर के थोड़ा कमजोरी या फिर थकान जैसी चीज महसूस करेंगे। स्वास्थ्य पर भी आज अपना थोड़ा पैसा खर्च होगा आपका, लेकिन चिंता और तनाव थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की संभावना है, भागदौड़ अधिक रहेगी आपकी आज के दिन और इनकम आपको होती रहेगी। व्यवसाय अगर किसी भी प्रकार का आप कर रहे हैं वो भी आपका सुचारू रूप से चलेगा। उपाय आप करें, घर में गंगा जल का किसी ना किसी रूप में प्रयोग करें, आर्थिक स्थिति इससे बेहतर और मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए आज 5। मीन राशि यानी के पाइसेस साइन। साथियों, व्यवसायिक यात्रा आपकी पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मन थोड़ा बेचैन रहेगा और जो भी प्रयास किसी भी कार्य को करने के लिए किए जाएंगे उसमें आप सफल होंगे। धन लाभ के भी कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ आ सकते हैं आज। सामाजिक कार्यों को करने में आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा, मान सम्मान भी मिलेगा और पैसा जो आप अपना कहीं अच्छी जगह लगाना चाहते हैं तो प्लानिंग करके लगाएंगे तो उसका अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है और जोखिम भरे कार्य भी आज के दिन आप कर पाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पार्टनर का भी आपको आज सहयोग मिलेगा, कार्य सिद्धि भी होगी और घर और बाहर दोनों ओर वातावरण आपके ही अनुकूल रहेगा और आप उसके कारण प्रसन्न रहेंगे। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाल रंग की मिर्च का संतुलित मात्रा में भोजन में प्रयोग करें आप। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए आज 3। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 22 मार्च सन 2023 दिन बुधवार संवत 2080 का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि आज का आपका दिन किस प्रकार से व्यतीत होगा और चलते चलते, और इससे पहले कि हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दें, एक बार फिर हम यही प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से, क्योंकि आज से माँ भगवती जी की, जैसा हमने आरंभ में कहा था कि नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, ये वो शुभ दिन है माता के कि जो हम तो कहते हैं माँ भगवती आपके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के कष्ट दूर करें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ साथ सबका स्वास्थ्य अच्छा रखें, यही माँ भगवती से हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी इजाजत लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।